आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू सेट फाउंडेशन। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप लोग में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, राइट। तो रेशियो के बारे में प्रोपोर्शन हम बताए थे शायद लास्ट क्लास में, प्रोपोर्शन हम बता चुके हैं, उसको नहीं बताएंगे, याद है? नहीं बताए थे, क्वेश्चन में बताए थे ए बाई बी। अच्छा ठीक है, फिर से बता देंगे। देखिए रेशियो क्या होता है, मान लीजिए रेशियो क्या होता है, पहले बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, फिर सॉल्व जाओ। रेशियो मतलब किसी को 5 रुपये मिले और किसी दूसरे बंदे को 10 रुपया मिला, तो हम बोलेंगे दोनों का रेशियो क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले को मिला 5 रुपये, दूसरे को मिला 10 रुपये ना, तो इन दोनों का रेशियो का मतलब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा यानी 1:2 आया ना, तो इसको हम लिखेंगे 1/2, इसी को हम लोग लिखते हैं 1:2। ये होते हैं, इसको बोलते हैं रेशियो, ये रेशियो का सिंबल है, साइन, समझ में आ गया। और रेशियो हमेशा ना सेम यूनिट में होता है, जैसे यहाँ पर रुपीस है तो यहाँ पर रुपीस ही होना चाहिए, अगर यहाँ रुपीस है यहाँ पैसा लिख दिया तब नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक, जैसे कि आपको बोल रहे हैं कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपके पास 1000 पैसा है, तो ये रेशियो नहीं निकलेगा, यूनिट सेम रहना चाहिए। ये पैसा है, ये रुपीस है, नहीं हो पाएगा, आपको दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसको पैसा में कर लो या इसको रुपीस में कर लेंगे हम। तो पैसा में कन्वर्ट इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इंटू 100, 1 रुपया 100 पैसा होता है ना, इंटू 100। अब ये क्या हो गया, पैसा हो गया, क्यों, 1 रुपया कितना होता है, 100 पैसा होता है ना, 100 पैसा, नीचे क्या है, 1000 पैसा, ये भी पैसा ही है ना। अब इसको काट सकते हैं, देखिए 3 0 3 0 गया, ऊपर आया 10, नीचे आया 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/1 यानी 10:1, ये हो गया रेशियो, समझ में आ गया। क्या हटा दें, अच्छा इसको हटा दें, थोड़ा सा उधर चल जाओ, यहाँ यहाँ बैठ जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं से नज़र नहीं आए, एक आंख से दिख रहे हो क्या। मान लीजिए मार्केट गए आप, अब 2 केजी आलू खरीद के लाएं, 2 केजी आलू, और फिर 2000 ग्राम चावल खरीद के लाए, बिरयानी वाला, ठीक है। तो हम बोलेंगे आलू और चावल का रेशियो क्या है, क्या होगा रेशियो बताइए, आंसर बताओ कोई, 1:1। 2 केजी कितना ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो ये हो गया मेरा ग्राम, ग्राम में, और ये 2000 ग्राम पहले से था, ये 2000 2000 कट गया ना, 1:1, ये होगा मेरा रेशियो किसका, आलू और चावल का, क्लियर हो गया रेशियो। अब यहाँ केजी लिए हम, यहाँ पर रुपीस लिए, कुछ भी हो, अगर बोलेगा कि मार्क्स, इतना मार्क्स आया, तो वो मार्क्स सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है। ये रेशियो था, प्रोपोर्शन क्या था, प्रोपोर्शन बोलते हैं, अगर हम बोलें आपको ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वाई, बस हो गया, बताएं ना, बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं क्यों, कुछ नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बोलें आपको, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इस पर सवाल बहुत सारा आता है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, सेकंड प्रोपोर्शन निकालो, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, फर्स्ट, तो समझ जाओगे ना, 3 दिया रहेगा, 1 निकालना रहेगा, तो 3 जो भी दे उसको पुट कर देंगे और जो बोला है निकालने, हम निकाल लेंगे यहाँ से, समझ में आ रहा है, तो आसान है ये सब चीज़। उसके बाद अगर बोलेगा कि ए बी सी आर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, क्या कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, जब कंटिन्यूस प्रोपोर्शन जब बोले तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए बाई बी इक्वल टू, ठीक है, 3 चीज़ दिया है, इसको अगर बोले आप कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे ए बाई बी
इक्वल टू बी बाई सी, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए बी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्या आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ से अगर हम बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट, ठीक है। यहाँ पर बी को हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं बी को, राइट, ठीक है। बी को क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, और ए सी को एक्सट्रीम प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीन प्रोपोर्शन। तो अगर सवाल आ जाए इसी में के सवाल कहाँ लिखे हैं, अच्छा यहीं पर एडजस्ट करते हैं, 4a9 आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अगर हम बोलें 4a9 क्या है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, तो आप फाइंड करो ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी देखिए ए बी सी है ना, इसको मान लो ए बी सी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, हमको डायरेक्ट पता है बी क्या होता है रूट ओवर ए सी, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ए बराबर रूट ओवर 4 × 9, समझ में आया, एकदम सेम, ठीक है, जो बीच में था। हाँ लिख लो, पहले तुम लिख लो, वो भी लिख रही है, हम इसको क्या लिखेंगे, ये समझ में आया ना कैसे है ये सेम। अरे कम से कम सर हिलाओ, मुंडी हिलाओ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, समझ में नहीं आता हमको, फीडबैक दिया करो, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा ना। डॉक्टर को बताओगे नहीं क्या बीमारी है, खाली बैठे रहोगे, बोलेगा ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, कुछ नहीं लगेगा, सबका दवा दे देगा या तो किसी का दवा नहीं देगा। 9 × 36 किसका रूट होता है 6, यानी ए का वैल्यू है 6। अब उतारो, उतारिए आप लोग, हो गया। वाह जल्दी फास्ट, कहाँ है भाई आपका दोस्त लोग, कहाँ है, पढ़ चुका है, अच्छा तुम भी तो पढ़ चुके होगे ना, हम सिर्फ पढ़ाने नहीं वाले हैं आज, हम ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे जो जानते नहीं हो, सिर्फ पढ़ना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, सब इस यही सोच के नहीं आया रेशियो बाबा कौन पढ़ेगा, ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे ना दिमाग खराब हो जाएगा बेटा सबसे पहले आसान क्वेश्चन से शुरुआत आसान क्वेश्चन से, सबको देखना पड़ेगा ना, आसान क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, चलिए बहुत लोग जानते होंगे इसको, हम बना रहे हैं ठीक है, आप लोग बनाए नहीं दे रहे ताकि जिसको नहीं आता है सीख ले। ये सवाल अगर हो आपको बोले ए बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग पकड़ लेंगे इक्वल टू के, ये सब इक्वल टू के, तो हम लोग 2a बराबर k लिख सकते हैं,
और 3b बराबर भी k लिख सकते हैं ना, 4c भी k लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलेंगे चारों इक्वल है जब, तो हम इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो चारों आपस में बराबर है ना। तो यहाँ से अगर a निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा, के बाई बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सी फोर, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, ए बी सी ना, ए क्या है नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये समझ में आया ना, सबका वैल्यू लिखे हैं। अब ये कट के कट गया, अब देखिए 2, 3, 4 आया ना, इसका एलसीएम ले लेना, क्या लेना, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेना, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा एलसीएम कैसे लें, तो तुम ऐसा नंबर लेना जो तीनों से मल्टीपल हो, तीनों का मल्टीपल हो या तीनों से डिवाइड हो, सिंपल। देखो अगर 6 लेंगे तो इससे नहीं होगा, 12 ले रहे तो देखो सबसे हो जा रहा है डिवाइड, हो रहा है ना, तो ऐसे भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हम एलसीएम ही लें, और यहाँ 24 भी ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हमको 12 नज़र आ रहा, तो हम क्या करेंगे, 12 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, खुद से कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो में कर सकते हैं। अब इसको काटो तो क्या आ जाएगा, 6, इसको काटो तो, इसको चलिए छापिए, किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछिए। ये हो गया मेरा आंसर ए बी सी का। लिखिए क्वेश्चन, ये शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। ऑप्शन गलत दे दिया, थोड़ा सा गलत है सवाल में, गलती कर दी। यहाँ पर लिखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन, यहाँ लिखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हाँ
डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है बता रहे हैं। देखिए ये भी आसानी है, 3% है, उसको किस रेशियो में मिला है, 5 6 5 4 5 6, यानी पहला परसेंट को 4 पार्ट मिला है, सेकंड को ये, थर्ड को मिला है। ठीक है क्या, फर्स्ट पर्सन को इतना मिला है, सेकंड को इतना, थर्ड को इतना मिला है, ठीक है, और टोटल कितना मिला है सबको, इतना। ठीक है तो इसको हम लोग सम करते हैं, सबसे पहले रेशियो का तरीका है, पहले सम करेंगे, कितना आएगा, 15। ये 15 यूनिट जो आया ना, यूनिट ये किसके बराबर होना चाहिए, 9000 के बराबर होना चाहिए ना। ठीक है ये है यूनिट और पैसा में जो रिलेशन है, टोटल टोटल मेरा यूनिट इतना है ना, इतना ही तो बटाना सबको, यानी टोटल इतना ही होगा मेरे पास, टोटल 15 यूनिट है, ये 15 यूनिट का वैल्यू तो दिया हुआ है ना 9000, यहाँ से अब यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, काट दो, कितना कटेगा, 15 × 6 90 00, यानी एक यूनिट का हमको वैल्यू पता चल गया कितना है, 600। एक यूनिट का वैल्यू 600 है तो हमको बोला है डिफरेंस निकालो किसका, फर्स्ट और थर्ड, आइए फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ठीक है फर्स्ट और थर्ड, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दो, तो एक यूनिट का वैल्यू 600, दो यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इजी छापिए, सवाल तो लिख लिया हो ना, फैन ऑन कर लो, आइए आइए, अरे वो अपना ही क्लास है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाइन लेते आइयो, पहले आना चाहिए ना, अच्छा चलिए लिखिए सवाल, ये सवाल लिखे हैं हम किसके बाद, प्रोपोर्शन के बाद, मोर देन, सी 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 है भाई,
हाँ क्या पता, आंसर नहीं देखा क्या, याद कर लियो लग रहा है। नहीं अभी बना। अच्छा बीबीसी हाँ सही बोलिए। उतारो उतार ली लो क्वेश्चन बताएं। देखो बोला है कि सम ऑफ मनी डिवाइड किए हैं चार फ्रेंड्स में, ए बी सी डी, चार फ्रेंड्स है मेरे पास, सबको कितना कितना मिला है, इतना इतना मिला है ए बी सी को, ठीक है। लेकिन कितना मनी डिवाइड किए हैं ये कुछ नहीं बोला है, बोला है कुछ नहीं बोला है, बस जो बोला है कि चार फ्रेंड को हम इतना में डिवाइड किए हैं और बी सी बी बी को इतना ज़्यादा मिला है सी से। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखना उखना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ यहीं देखिए बी को कितना मिला, ये है बी ना, ये है सी ना, तो हम सिर्फ बी सी से डील करेंगे सवाल में, क्योंकि ये दिया हुआ है बी को इतना ज़्यादा मिला है सी से ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस सी इक्वल टू 270 लिख सकते हैं। इस लैंग्वेज को समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, बी को ज़्यादा मिला है इतना किससे, सी से, इसका मतलब होता है डिफरेंस कि बी माइनस सी है 270, इसको ज़्यादा मिला है ना, तो ज़्यादा वाला पहले कम वाला बाद में, जितना डिफरेंस है लिख देंगे। यहाँ डाउट किसी को नहीं। उसके बाद हो गया सवाल, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, देखो कैसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है ना, 3 है ना डिफरेंस, डिफरेंस लेंगे डायरेक्ट। हाँ यही 3 तो मेरा दिया हुआ है 270, अभी हम सिखाए ना यूनिट, ये 3 यूनिट है और ये पैसा में, डिफरेंस 3 यूनिट आ रहा है, लेकिन सवाल में दिया कि ये कितना यूनिट के बराबर है, कितना पैसा के बराबर है, 270 के बराबर है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 90, यानी एक यूनिट किसके बराबर है, 90 रुपये के बराबर है एक यूनिट। हमको किसका निकालना है, डी का ना, डी कहाँ है देखो, डी है 5, एक यूनिट का 90 रुपये, या तो 5 यूनिट का, इजी बताइए, समझ में आया ना सबको, अभी आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। हाँ शुरुआत कहाँ से करना है नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन देख के मतलब डर जाते हैं, ये पता है कैसे दूर होगा, पता है कैसे दूर होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब बना लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, बताएंगे। नहीं बन पाया, ऐसा थोड़ी होता है, कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कोई नया सवाल भी आएगा तो बना लोगे, समझ में आया, इसलिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो 40-50 क्वेश्चन हम पढ़ लें एक चैप्टर का हो जाए, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ बुक में दिया है 300-400 क्वेश्चन एक चैप्टर में, उतना करने पर भी नहीं होगा, उतना करने पर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हर सवाल डील कर सकते हैं, ठीक है, उतना करने से कॉन्फिडेंस आता है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना कीजिए खुद से। यहाँ पर हम टाइप वाइज करा रहे हैं कि हर टाइप आप टच कर लें फिर बाद में आप खुद से घर पे कर सकें, समझ में आ रहा है बात। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, अब देते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, लिखिए सवाल।
चलिए इस सवाल में सीखने को है बहुत कुछ। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, दो नंबर है मेरे पास, दो नंबर से उनका रेशियो कितना है। अब बोल रहा है 9 जो है दोनों में से हम घटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों में से घटा रहे हैं। जब घटा रहे हैं तो नया नंबर जो बन रहा है उसका रेशियो ये है। तो आपको बोला है कि स्मॉलर नंबर जो है उसका वो कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे करते हैं, बचपन में हम लोग कैसे करते थे कि दो नंबर को हम लोग मान लेंगे, पहला 3x है और दूसरा, ऐसे ही मानते थे, पहला नंबर फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, ऐसे ही ना मानते थे जी। अब बोल रहा है कि दोनों में से हम 9 घटा दे रहे हैं, तो दोनों में से जब 9 घटा देंगे हम, हो गया, अब ये हो गया नंबर मेरा फर्स्ट नंबर, अब ये हो गया मेरा, तो बोला यही दोनों का रेशियो कितना है, यानी इन दोनों का जो रेशियो ये कितना है, ये अब इसको क्रॉस करके सॉल्व करते थे, कीजिए। हाँ ठीक है, कीजिए, इसको क्रॉस करना है, इसको क्रॉस करना है, यहाँ पर भी बहुत लोग गलती करते हैं, कीजिए, इसलिए हम आप लोगों को बोले करने, कीजिए, कर लिए। इससे करेंगे तो ये कितना आएगा, कितना आएगा जी, सही लिखे हैं ना, गलत लिखे हैं, ओ वही हम बोल रहे हैं, यहाँ 207 कितना आएगा, एक से 11 आएगा। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर क्या था शुरू में, 3 था ना, 3x था, 3 × 11 यह आ गया, उतारिए, फास्ट फास्ट, x = 11 फर्स्ट नंबर क्या था मेरा, देखो फर्स्ट नंबर क्या था, 3 था, 3x था ना, पहला नंबर क्या था, 3x था या 5x था, ये तो बाद में हो गया ना, इतना बाद में होगा, ये समझ में आया, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं बनाना है, ऐसे हम लोग बचपन में बनाते थे। देखिए अब हम सिखा रहे हैं आप लोगों को इक्वेशन को कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं, फास्ट इस इक्वेशन को हम लोग लिखें, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिखेंगे x = 11। अब बता रहे हैं, अब भाग थोड़ी रहे हैं, कैसे कर पाओगे एक स्टेप में, सिखा रहे ट्रिक, देखो गजब का ट्रिक है, अगर पकड़ लिया तो हर इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ऐसे ही बिना सॉल्व किए, वो जो बच्चा वाला क्यों ना, ऐसे ऐसे ये सब बच्चा वाला, ऐसा नहीं करना, क्लास का यही तो इम्पोर्टेंस है, इसमें कुछ अलग सीखने मिलता है क्या। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे,
एक्स वाला को डायरेक्ट, और फिर यहाँ से भी सिर्फ एक्स वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक्स। देखो क्या आ रहा है, माइंड में करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 69 बस रखो 69। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 60, 69 60 आ गया दोनों माइंड में, दोनों को माइनस कर दो, इजी 8 था क्या, क्या बोले हम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 69, सिर्फ एक्स वाला 60, 69 माइनस 60 9 यानी 9x डायरेक्ट। अब इसको भूल जाओ, ख़त्म। अब नंबर को देखो सिर्फ, ये साइन सेम है ना, साइन सेम है तो भूल जाना, साइन अपोजिट रहे तो क्या करेंगे बाद में बताएंगे, अभी साइन सेम है, साइन सेम है 9 और नंबर भी सेम है 9, नंबर को ही भूल जाओ, साइन को भी भूल जाओ, दोनों भूल जाओ, दोनों भूल जाओ, क्योंकि नंबर सेम है साइन भी सेम है, सिर्फ इसका माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 11। अब उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो 99, 9x इक्वल टू 99, x इक्वल टू 11। अलग था तो हम बताएं कैसे करना है, ट्रिक यही है, अलग रहे सेम रहे सब में यही ट्रिक लगेगा। एक बार फिर से बताएं क्या किया, फॉलो माय स्टेप्स, पहले x वाला को सॉल्व करेंगे 69, यहाँ भी x वाला को सॉल्व करेंगे 60, डिफरेंस ले लेंगे माइनस, लिख देंगे 9x, x भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, तुम 9 ही लिख सकती हो डायरेक्ट, x बच्चा लोग लिखता है, x नहीं लिखो डायरेक्ट, हम x का वैल्यू ही निकाल रहे हैं, यानी 9 आया मेरा एक तरफ 9 आया, और दूसरे तरफ सॉल्व करो, ये नंबर सेम है साइन भी सेम है दोनों भूल जाओ, इसका डिफरेंस लेंगे 11, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से 99, 9 का वैल्यू 99, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 11, यानी एक जो आया वही x है, अब एक जो आया वही x है ना, हमको क्या निकालना है स्मॉलर, 3 11 इंटू 3 33 आंसर, समझ रहे, 9 से, क्योंकि 9 में तो शुरू में मल्टीप्लाई ही ना किए हैं, इसीलिए। कैसा लगा है, अरे थोड़ा तारीफ करो, ठीक है बस, अच्छा हाँ कमेंट करो, यूट्यूब पे तो आवाज़ नहीं आता है ना पंखा की वजह से, आता है सर, बहुत शुक्रिया। डन, इतना ही नहीं अभी और सुनिए, सेकंड ट्रिक हम बता दिए आपको, सेकंड मेथड, पहला मेथड बता दिया ना बेसिक वाला, बेसिक जैसे करते हैं, ये सेकंड मेथड था, अब थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा पहले उतार लो, थर्ड मेथड में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको, बस बैठे रहना, चुपचाप से देख के आंसर मार देना है, ठीक है, चुपचाप से बैठ के देख के आंसर मार देना है, कैसे मारना है, हमको बोला है क्या निकालने सवाल में, फाइनली हमको आंसर क्या पूछा है, स्मॉलर नंबर, अब बताओ इन दोनों में स्मॉलर कौन है, 3, यानी मेरा जो आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल कौन है, कोई नहीं है, सिर्फ यही है आंसर, कौन सा मेथड अच्छा था, अरे बाबू तुम लोग सर सॉल्व करने बेकार सिखा रहे हैं, डायरेक्ट सिखाइए ना कैसे मारना है, ये था मल्टीपल ट्रिक, ये बहुत जगह काम आएगा, जहां जहां काम आएगा हम बता देंगे, बुक में ऐसे सॉल्व नहीं रहता है, ठीक है, बुक में बच्चा वाला मेथड 1 टाइप का सॉल्व रहता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब धाकड़ क्वेश्चन का शुरुआत हो गया है, नेक्स्ट धाकड़ क्वेश्चन पांचवा है ना, लिखिए सवाल लिखिए,
फाइंड एज इनकम, ठीक है, फाइंड एज इनकम। हेयर वेयर देयर एक्सपेंडिचर यानी खर्च। तो सब बना के आइए। अच्छा, शी इज आवर पुराना खिलाड़ी। किसी भी टॉपिक को आसान मत समझना कंपटीशन का, किसी भी टॉपिक को इजी में मत लेना। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ सीखने को है, जिसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा। हर चीज़ सीखना पड़ेगा हर टॉपिक पे। ऋषि प्रोपोर्शन आसान लग रहा था, इसीलिए कुछ लोग एब्सेंट किए हैं, हमको लग रहा। हाँ अब अच्छा अच्छा बताएंगे हम, और भी एक चीज़ बताएंगे लास्ट में, बताया ना, याद दिलाना हमको, नहीं तो छुट्टी कर देंगे हम। चलिए बताते हैं, ये सवाल बनाए हो भाई? बनाए, बना लिए? नहीं पूछ रहे को बता रहा है, पूछ रहा है, हम नहीं बताएंगे। देखिए ये सब सवाल कैसे बनता है, इस पर बहुत सारा टाइप का सवाल आता है, इसलिए हम ये सवाल ले लिए हैं ताकि इसमें थोड़ा सा हम बता दें आप लोगों को। इनकम क्या होता है? हम जितना कमाएं उसमें से हम खर्च करते हैं, ये मतलब एक्सपेंडिचर। पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये मतलब एक्सपेंडिचर, एस मतलब सेविंग। तो जितना हम इनकम करते हैं उसमें से हम कुछ खर्च करते हैं, कुछ सेव करते हैं, इन दोनों का सम ही ना होता है इनकम। क्लियर हुआ ये बात? बस इसको याद रखना अच्छे से। इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखिए, अरे लिखने मत लगो, पूरा बता दे तब लिखना। अब हमको दिया है इनकम, इनकम का रेशियो क्या दिया है यहाँ लिख देंगे, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2, और सेव कितना कर रहा है? दोनों में सेम सेव कर रहा है ना, कितना हट दिया है? देखो ईच सेव रुपीस इतना, यानी दोनों ही इतना रुपया सेव कर रहा है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से अगर हम आई निकालेंगे तो आई माइनस ई क्या हो जाता है? सेफ। ई को वहाँ ले गए, ये समझ में आया? यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी मेरे पास जितना था हम जितना खर्च कर दिए, यानी जितना बचा मेरे पास वही तो है सेविंग। तो हम इसको अगर ऐसे बनाएं, यहाँ पर हम एक्स मान लें, यहाँ पर भी एक्स मान लें, तो यहाँ पर वाई मानना पड़ेगा और यहाँ पर भी वाई मानना पड़ेगा, तब सवाल बन जाएगा कैसा है। इनकम क्या हो गया इसका? एक्स, 2x है, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है? y है ना, सिर्फ ये है a परसेंट, ये है b परसेंट, ये a परसेंट का इनकम, a परसेंट का एक्सपेंडिचर, सेविंग। a परसेंट का इनकम, a परसेंट का इनकम, उसका एक्सपेंडिचर, उसका सेविंग, दिखा ना ऐसे ऐसे। तो a का इनकम है इतना, उसमें से एक्सपेंडिचर जब घटा देंगे तो क्या आएगा जो हम सेव किए हैं? नहीं आ रहा है, ये आएगा। इसका इनकम, इसका एक्सपेंडिचर कितना है, कितना सेव कर रहा है, ये आया। यानी ये दो इक्वेशन आया। अब यहाँ से आपको सॉल्व करके एक्स वाई निकालो, तो अब निकालो, निकालो एक्सरसाइज करवा रहे, थोड़ा सा अच्छा होगा सॉल्व। ए निकालिए, एक्स वाई निकालिए, क्या आएगा? अरे क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस कर दो दोनों को। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? किसी एक को बराबर करते हैं, कोएफिशिएंट को, एक्स का बराबर करो या वाई का, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो ना, जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा?
फोर एक्स माइनस टू वाई बराबर 48, डबल दिखेगा। अब इस इक्वेशन को वन और इसको टू मानो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, वन माइनस टू, इसको इससे घटाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट कैसे घटाएंगे, चार में से ये तो कट जाएगा ना, दिख रहा है कि लिख दें, जब इसको इससे घटाएंगे, अब लिख दीजिए, बच्चा वाला काम करवाते हो तुम लोग, बहुत शर्म आ रहा है हमको, नहीं देखेंगे, भूल भी गया, नहीं देखा, कहाँ गया, कहाँ गया, और ये देखा। अब इसको सॉल्व करो, लेफ्ट लेफ्ट से घटेगा, राइट राइट से घटेगा, बताया ना, इसको इससे घटा दिए। अब इसको सॉल्व करो, ऐसे बनाई हो तो कैसे बनाई हो, पाप है ये, घोर पाप है ये जो तुमने किया, बताएं। डाल लिए, ऐसे नहीं बनाना है, हम कॉन्सेप्ट बताएं। ये समझ में आया ना कैसे बनाया है, बचपन में ऐसे बनाते थे हम लोग, एक्स एक्स लगाते थे, वाई वाई लगाते थे, कॉन्सेप्ट क्या था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर था सेविंग, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते थे, जैसे सॉल्व किए। ये समझ में आया ना मैम, आपको समझ में आया, अभी कमेंट मत कीजिए यूट्यूब पे, अभी आया नहीं। उसके बाद दोनों को माइनस किए, देखिए वाई कट गया, एक्स आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं बनाना है। ऐसे सीख लिए ना, अब देखिए ये थी आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी आना बाकी है, इसमें एक्स वाई का जरूरत नहीं है, नो एक्स नो वाई। ये मैडम का किया देखो, घोर पाप, दो से एक घटा दिए, वन आया है, बोल सकते हैं ना, तीन में से दो गया है, बुरा मत मान लेना, वन आ गया है। उसके बाद एक का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हमको दो का निकालना है, इसका डबल कर दिया है, गजब का दिमाग लगाया गया, वाओ, लेकिन दिमाग अच्छा था, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा कभी यूज नहीं करना, कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये अलग रेशियो है इनकम का, ये इनकम का अलग रेशियो है, एक्सपेंडिचर का अलग रेशियो है। प्रूफ कर दे कैसे गलत है, मान लो ये दो, ये 20 है, ये 30 है, रेशियो 2:1, और इसको मान लेंगे हम 100 है, ये 200 है, रियल में इनकम 20 एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं होता है। अच्छा इसका मल्टीपल हम ले रहे हैं, इसका मान लो 4000 ले ले रहे हैं, 200 का मल्टीपल ले लिए, 200 का 6000 हो गया, 200 लिए हैं, यानी दोनों में 200 200 कटा होगा कहीं ना कहीं, 200 200 कटा होगा, तो
तो ये 4000 एक्चुअली में है, ये एक्चुअली में। अब 4000 में से 100 घटाओ कितना आएगा, 3900, 3900 और इसमें घटाओ 11 आ रहा है, बराबर नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा। कैसे करना है देखिए, इसको सॉल्व ऐसे ही होता है, बहुत लोगों जिसको नहीं पता ऐसे ही सॉल्व होता है, ठीक है, सॉल्व ऐसे ही होता है, लेकिन हम जो सॉल्व करा रहे हैं वो देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, गौर से देखो, ये आ गया 4, ये हो गया 3, 4 में से 3 गया 1, याद रखना यार, 1 आया है, ठीक है, याद रखना है, उंगली निकाल कर रखो, 1 आया है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, जो यहाँ किया वही यहाँ करेंगे, यहाँ किया मल्टीप्लाई करके घटाएं, 4 में से 3 गया 1, यहाँ भी वही करेंगे मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, तो देखो 48 24 कितना आया, 24 यानी एक जो उंगली निकाली थी उसका वैल्यू कितना आया, हमको कितना निकालना है, कितना आ गया मेरा आंसर, ओह माय गॉड, समझ आया, किसको समझ में आया, हाथ उठाइए जिसको समझ में आया, एक बार और बता दें, मल्टीप्लाई करके माइनस किए हैं, क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करके माइनस किए, बस 4 3, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, अब एक याद रखना, यहाँ पर भी सेम 48 माइनस 24, मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, तो 48 माइनस 24 क्या आएगा, 24 यानी इसका वैल्यू क्या है, 24 हमको निकालना है 2 का वैल्यू, 2 तो 2 का वैल्यू इसका डबल कर दो, कैसा था ये मेथड, सोचो इतना तुम टाइम लिखी हो, इतना में 4-5 सवाल बन जाएगा, लिखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 या 7, एज प्रॉब्लम है ये, लेकिन रेशियो का ही है, बता रहे हैं, देखिए हो गया, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू बॉयज 5-6, यानी पहले का एज, पहला का एज क्या होगा 5x होगा, दूसरा का क्या होगा
सिक्स एक्स होगा, कुछ कटा होगा एक्स एक्स। आफ्टर टू ईयर, दो साल के बाद रेशियो कितना हो जाता है? यानी दो साल के बाद इनका एज क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? अभी इन लोगों का एज जितना है 5x, दो साल के बाद कितना हो जाएगा? प्लस टू कितना हो जाएगा ना? यही तो दिया है रेशियो, इसी का रेशियो दिया है। कितना समझ में आया? क्या क्या है? प्रेजेंट एज क्या था? 5, 6 प्रेजेंट एज था। ये था सिर्फ प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज। दो साल के बाद कितना हो जाएगा? दो ऐड कर देंगे। यही दोनों का तो रेशियो दिया है, दो साल के बाद कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से बोला है कि 12 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 12 साल के बाद में निकालेंगे, पहले अभी का निकाल लें। तो अभी का जितना निकाल लेंगे कितना होगा अभी? 5x। तो x का वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, प्रेजेंट आ जाएगा, फिर 12 ऐड कर देंगे दोनों में। नहीं समझ में आ रहा है? ये समझ में आया ना? अब इसको क्रॉस करो, वैसे नहीं करना जैसे हम बताएं वैसे करो। अब देखो जैसे बताएं, यहाँ भी अप्लाई करके दिखाते हैं, नहीं तो वैसे लंबा लंबा तुम लोग करने लगोगे। एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 8, 5, 6, 7, 42 - 40। दो उंगली निकालो, निकालो दो उंगली, ये एक्स था दो। अब नंबर का करते हैं, ये दोनों सेम है ना, छोड़ भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तुम्हारा मत। 16, 14, 16 - 14 गया दो, यानी दो यूनिट का वैल्यू दो, एक यूनिट का वैल्यू एक, एक यूनिट का वैल्यू एक, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 5, 6 यूनिट का वैल्यू 6, 12 12 दोनों में ऐड कर दो, 17, 18 ये हो गया आंसर। नहीं समझ में आया? क्या हजरत समझ में आया आपको? नहीं, अरे क्रॉस वाला मेथड जो हम सिखाए हैं बता दे रहे हैं फिर से। क्रॉस वाला मेथड हम क्या बताएं? 16 में से 14 गया, दो यूनिट आया, ये कितना आएगा? 16 में से 14 गया, दो ईयर्स आया ये, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आया? 1 ईयर्स। तो एक कितना था? 5 था ना, 5, तो एक यूनिट का वैल्यू 1 ईयर्स, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 ईयर्स, और 6 यूनिट का वैल्यू 6 ईयर्स, यानी वो लोग का प्रेजेंट एज कितना है? 5 साल है और 6 साल है। तो बोला 12 साल के बाद कितना होगा, तो दोनों में 12 ऐड करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा? 17। ये दोनों को बोला रेशियो निकालो, डिवाइड कर दो, ठीक है, मिटा दें। यहाँ पर हम लोग टाइम कहाँ बचाएं, सॉल्व नहीं किए, और अगर माइंड चल रहा है तो माइंड भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं इतना, ठीक है? लिखते लिखते आदत हो जाएगा तो फिर नहीं लिखेंगे। सेकंड मेथड बताएं इसका, ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे ना, वही देखेंगे, वो मार्क कर देंगे, हाँ इसमें भी मार्क कर देंगे। क्या करेंगे, गौर से देखिए इन्हें गौर से देखिए, गौर से देखिए इन्हें, कुछ नज़र आएगा। दोनों में दो दो बड़ा है ना, यानी सवाल में भी दिया है कि दो साल के बाद है, तो यानी दो साल जो हुआ और दो यूनिट जो बढ़ा, वहाँ से पता चल गया कि मतलब ओह अच्छा, एक यूनिट का वैल्यू एक ही साल है, दो यूनिट का वैल्यू दो साल है, यानी एक यूनिट का वैल्यू एक साल होगा, यानी उसका ये रियल एज दिया हुआ है, यानी शुरू में वो 5 ही साल का था, ये 6 ही साल का था, तो 12 साल के बाद कितना हो जाएगा? 17, 18 आंसर, ठीक है, लिख लो। लिखने वाला मेथड नहीं है लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा ना, लैंग्वेज में याद कैसे रहेगा आप लोग को, अपने लैंग्वेज में लिख लो क्या किए हैं। देखें कि रेशियो इक्वल बड़ा है दोनों में, यानी 5, 6 था, यहाँ पर हो गया 7, 8, यानी यहाँ भी दो यूनिट बढ़ा है, यहाँ भी दो यूनिट बढ़ा है, और सवाल में दिया है कि ये दो यूनिट जो है ये दो साल के बराबर है, दो ईयर्स मतलब एक यूनिट एक साल के बराबर, शुरू में दिया है कि ये 5 यूनिट 6 यूनिट, मतलब ये 5 साल का होगा, वो एक्चुअली में 5 साल का ही है, ये 6 साल का ही है, और 12 साल बाद 17, 18 हमको बोल रहे हैं रेशियो निकालो। अलग अलग एज पूछता तो यही होता, बोलता है एक एज बताओ, तो 17
बी का एज बताओ, बोल दा डिफरेंस ऑफ देयर एज बताओ 12 साल के बाद, 12 साल के बाद डिफरेंस ऑफ देयर एज बताओ, तो 12 साल के बाद एज इतना ही है ना, डिफरेंस कर दो वन। देख एक सवाल से कितना सारा सवाल बन सकता है। जल्दी ये पैसा वाला सवाल है, आपके पास मनी का बैग है, इसके पास भी है, एक रुपये का, दो रुपये का, पाँच रुपये का कॉइन है सिर्फ, यानी मेरे तरह गरीब लड़का है। हो गया, इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, जल्दी देखो, मेरे पास एक बैग है, उसमें कितने कितने का कॉइन है, एक रुपया वाला, दो रुपया वाला, पाँच, हम उल्टा बनाए हैं लेकिन समझने के लिए, पाँच वाला सबसे छोटा होता है, ये समझने के लिए बनाए, एक दो पाँच, ये कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स है, कितना कितना कॉइन है दे दिया है, इफ़ द रेशियो ऑफ कॉइन्स भी इतना इतना इतना, मतलब ये जो रेशियो है किसका रेशियो है, क्वांटिटी का, क्वांटिटी कितना है, नंबर्स, क्वांटिटी या नंबर्स बोल दो, नंबर्स कितना है, कितना है ये, चार ठो है, ये तीन ठो है, ये दो गो, समझ में आ रहा है, यहाँ एक्स हम ले सकते हैं लेकिन हम बिना एक्स का बना रहे हैं अभी, अच्छा लिख ही लो, समझने में आसानी होगा तुम लोग, बाद में काट देंगे, यानी अभी कितना क्वांटिटी है, अगर एक्चुअल में माने तो 4x, ठीक है, तो वैल्यू कितना होगा इन लोग का, अलग अलग वैल्यू, वैल्यू वैल्यू मतलब इन लोग का रुपीस, पैसा, दाम, इन लोगों में बैग में एक रुपये का कॉइन का टोटल कितना कितना पैसा होगा, एक रुपये कॉइन वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर चार कॉइन है एक रुपया वाला तो कितना पैसा है, क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं ना, चार हो गया, अगर दो रुपये का कॉइन का आपके पास तीन है तो कितने पैसे हैं, मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं बस,
ये क्या आया मेरा पैसा आया ना, यानी एक्चुअली में इतना पैसा है मेरे पास, एक्चुअली में इतना पैसा यानी सम कर दो, टोटल कितना पैसा है मेरे पास 20, एक साथ आई दो 20 यूनिट मेरे पास टोटल पैसा है, ठीक है, समझ में आया, यही पैसा तो दिया है टोटल सवाल में कि 500 है, नहीं इतना नहीं है आपके पास 500, तो उसको बराबर कर देंगे। अब यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालो, जीरो कट गया, दो से काट दो 25 आ गया, यानी एक यूनिट का मेरा वैल्यू क्या आया 25 रुपये, यानी एक यूनिट का वैल्यू 25 रुपये है। हमसे पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ मनी 2 रुपया वाला में जितना पैसा है आपके पास, 2 रुपया कॉइन से जितना आपका पैसा बना वो बताइए, कितना पैसा बना है 6 पैसा बना है ना, तो 25 × 6 × 6 कर देंगे, इससे कितना आएगा, हो गया आंसर इजी, एक्स नहीं लेना है वो ऐसे हटा दो एक्स। अच्छा इसी सवाल में अगर सवाल ये पूछता कि 2 रुपया का टोटल कॉइन कितना है, क्या बोले हम, बोलता कि 2 रुपया वाला कॉइन कितना है टोटल, 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देते 25 × 3 75 है, यानी 75 तो कॉइन है 2 रुपया वाला, लिखिए नेक्स्ट सवाल। क्या वो यही है, यहाँ है ठीक, जाइए कौन था, जाइए यहाँ है बगल,
दैट शेयर्स ऑफ बी एंड सी क्या चलिए ट्राई कीजिए इसको, एक मिनट दे रहे हैं, 60 सेकंड लिखने के बाद एक मिनट दे रहे हैं। अच्छा दो लोग बना लिए हैं, तीन लोग बना लिए हैं, देखो तुम भी बना लिए। फोन पे बता देना कैसे हो। देखिए सवाल है कि मेरे पास 7,000 रुपये हैं, हम तीन लोग में बांट रहे हैं एबीसी में 7,000, जिसमें से एबी को कितना मिला, एबी का जो रेशियो है 2-3, यानी एबी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2-3, और बीसी को कितना मिला दिया हुआ है, बी और सी कितना मिला, ये रेशियो बचपन में बनाते थे ना ऐसे, याद आया। अब लेकिन यहाँ बी को 3 मिल रहा है, यहाँ बी को 4 मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग बी को बराबर करते थे, इक्वल करते थे ना, तो क्या करें कि इक्वल हो जाए बी दोनों जगह पे। इसको चोर चार से चोर बोल रहे इसको चोर से चार से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में करना पड़ा, इसमें 12 हो गया बी, यानी यहाँ से मेरा ए का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, आई मीन टोटल को ऐड कर दे रहा है, टोटल ए बी सी तीनों को कितना मिला, 35 मिला ना, यानी ये 35 यूनिट है ना टोटल का, हाँ 35 ऐड कर दिया, यानी टोटल पैसा सबको इतना मिला होगा, यही टोटल तो दिया हुआ सवाल में, कितना 35 × 70, 2 0 उतार दो तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, ये क्या है रुपया है ना, एक यूनिट का हमको बोला है क्या, बी का शेयर निकालो, तो बी को कितना मिल रहा था, ये 12 को मिल रहा है ना बी, यानी इतना इंटू 12 कितना आया, आंसर बस आसान तो था, देखने में वो टफ लग रहा था ना। और कोई तरीका है बनाने का, हम बता रहे हैं, हो गया। कोई डाउट, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और तरीका है इसको करने का, यहाँ पर हम लोग करते थे ना ऐसे, यहाँ देखो ऐसे हम लोग करते हैं, ए बी सी, ए बी का रेशियो कितना था, अरे बोलो 2:3, बी सी का रेशियो कितना था 4:5, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ए बी का इतना है दूसरों को, अब बिना ये मल्टीप्लाई किए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया, हो गया रेशियो,
नहीं समझ में आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, और कोना कोना वाला मल्टीप्लाई करेंगे, कोना वाला आ गया दोनों, अब बीच वाला को 20 से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गजब का है ना, कोई भी रेशियो कर सकते हैं, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा किसको किससे क्या मल्टीप्लाई करें। ये तो आसान ही तो दिख गया, टफ रहता तो 29/29, 29/35, फिर 45/97, तब क्या करोगे? ये आता था, आता था। सेकंड मेथड अब सेम है, उसके बाद ऐसे कर लेंगे। हाँ वही 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 है, वही है, तो वही ये भी वही। हाँ लिखना नहीं पड़ेगा, अभी स्टार्टिंग है ना, अभी उतना नहीं पकड़ पाएगा लोग, पहले कौन है बाद में कौन है। देखो ये जो यहाँ पर किया हुआ है, इसको यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, हजम होगा तो देख लो। पहला पहला को मल्टीप्लाई करेंगे 8, लास्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 15, यानी पहला वाला 8 होगा, लास्ट वाला ए गजनी। क्या बोले बताओ, लास्ट वाला करा। अच्छा एक सवाल बताओ, अगर एक औरत एक दिन में 20 रोटी बनाती है तो 3 औरत 30 दिन में कितना रोटी बनाएगी? एक भी रोटी नहीं बनाएगी, वो लोग बात करेगी बैठ के। वो लोग बैठ कर बात करेंगे, जहाँ लोग सब मिल गए तो वही हाल है लोग। आंसर इनवैलिड, गूगल में भी टाइप करोगे आंसर इनवैलिड, कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ देखिए थर्ड मेथड, नहीं थर्ड से पहले हम कुछ बता रहे थे ना, पहला पहला को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहला 8, आखिरी आखिरी 15, यानी पहला और आखिरी आगे 8 15, बीच वाला में कौन है? इसका लास्ट इसका पहला, किस कहाँ गया? हाँ इसका लास्ट, सॉरी ये पहले है ना, ये पहले है ना, इसका लास्ट इसका पहला, 4 2 8, देखिए 8 आ गया, बाकी यार 12 आ रहा है। जी जी आई एम सॉरी, 12 आ रहा है, ठीक है समझ गए। थर्ड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, हम लोग आंसर मार्क करेंगे डायरेक्ट, इसमें भी देखो कैसे करेंगे आंसर मार्क। देखिए हमको निकालना है शेयर ऑफ बी, अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, बी का शेयर, बी को कितना मिला, बी को देखिए पहले क्या बोल रहा था, बी को कितना मिला सवाल में, बी को मिल रहा था 3 यहाँ पे, और वहाँ पर बी कहाँ है 4, यानी मेरा जो आंसर होगा 3 और 4 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल पहले देखो कौन कौन है, ये है 3 का है, ये 3 का, ये है, ये 3 का है, 3 का नहीं है, ये करके देख लो, 3 से नहीं होगा डिवाइड, दिख रहा है ये भी दिख रहा है 3 से नहीं होगा, ये 3 से हो रहा है दिख रहा है, देखो ये भी 3 से हो रहा है, यानी 3 हो गया। अब 4 से चेक करो, 4 में सिर्फ यही दोनों चेक कर सकते हैं हम, ये दोनों करेक्ट होगा, 4 से ये हो रहा है, 4 से ये हो रहा है आंसर। अब इसको कैसे लिखोगे, ऑन लैंग्वेज में लिखो, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड, वी आर चेकिंग द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। कौन मेथड अच्छा था? देख रहे हो इतना बड़ा सवाल को एकदम धुआं उड़ा दिया लोग। क्वेश्चन नंबर,
सवाल दिख रहा है ना आप लोगों, सवाल दिख रहा है जी? ठीक, बहुत हल्का चल रहा है जी। ये आसान सवाल है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर कुछ सिखाने वाले हैं हम, इसीलिए ये सवाल दिए। आसान है, आप लोग बना सकते हैं इसको, ट्राई कीजिए। तो ट्राई कीजिए, एक मिनट दे रहे हैं। आप मार्कर वाली है ना उस दिन? कोई बात नहीं, हो जाता है। उसके लिए ट्यूशन अब्सेंट करने का क्या ज़रूरत है? हाँ, तो बहुत क्लास अब्सेंट की हो पहले। हाँ, और दूर बैठती है शायद, इसीलिए हमने देखा। हाँ, इसमें छुप के बैठती होगी, नज़र नहीं आता हूँ। इसको बना लिए हैं? कितने लोग से बना? थोड़ा हाथ उठाइए। चार लोगों से बस, चार लोग। ट्राई करो, वन टू के टू वन, वन टू आ रहा है तुम्हारा, टू वन आ रहा है। एक ही बात कैसे हुआ? दो क्वांटिटी है, देखिए बोला सम ऑफ टू क्वांटिटी। टू क्वांटिटी क्या, हमको पता नहीं है। मान लेते हैं एक्स वाई, दो क्वांटिटी क्या, एक्स वाई है, ठीक है। बोला इन दोनों का सम, सम ऑफ टू क्वांटिटी बोला है ना, तो सम कर देंगे, ठीक। सम ऑफ टू क्वांटिटी इज, अब देखो मैथ्स में ना कहीं भी इज लिखा रहे ना, इसका मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? ठीक है, जैसे दिस इज इतना टाइम्स देन दिस, दिस इज इतना टाइम्स दिस, दिस इज बोला ना, इज मतलब इक्वल, ठीक है, इजी। अब देखो जो लिखा है उसी को हम इक्वेशन का फॉर्म में लिख देंगे, और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीपल। यहाँ देखो बस इस लाइन को देखेंगे, इक्वेशन हम लिख देंगे। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे वाह, पता है, सम ऑफ टू क्वांटिटी। सम ले लिए टू क्वांटिटी का। इज मतलब घोषणी नहीं देख रही है, लैक्मे का काजल चला के मारे में। बहुत बढ़िया, ऐसा है छूटेगा नहीं। शर्ट में मेरा ऐसा लगा अभी तक छूटा नहीं है। कितना लेमन लगाए, ये लगाए, फलाना ढिमकाना सब लगाए। हाँ भाई, इस मतलब इक्वल, किसके इक्वल है? अगर यहाँ इक्वल नहीं बोलता ना तब भी चलता। देखो अगर सवाल में इक्वल बोल दिया, अगर इक्वल नहीं बोलता तब भी हम लोग इक्वल लिखते हैं। हाँ इज है ना, वहाँ पर इक्वल लिख देते हैं। द सम ऑफ टू क्वांटिटी इज थ्री टाइम्स, थ्री यानी थ्री, टाइम्स मतलब मल्टीपल। देयर डिफरेंस, देयर डिफरेंस मतलब इसका डिफरेंस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसी को डाउट है कैसे इक्वेशन बना? ये तो इजी क्वेश्चन है, जब एज वाला भी बताएंगे ना हम, एज वाला उसमें तो एकदम मास्टरी हो। एज वाला और नंबर वाला अभी आता है, एक नंबर में आता है सवाल, एक आता है एज वाला प्रॉब्लम, नहीं आ रहा याद। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे बचपन में सॉल्व कर देते हैं। थ्री मल्टीप्लाई हो गया,
ये 3y आ गया, अब x x एक तरफ, y y एक तरफ, किसी को भी कहीं रखो, y को यहाँ ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, y प्लस 3y, x इस x को वहाँ ले जाते हैं तो माइनस x, ये कितना हो गया 2x, ये 2 कट गया, तो यानी 2y बराबर x आया ना। हमको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर टू क्वांटिटी, टू क्वांटिटी का रेशियो क्या है, यानी x बाई वाई, 2 यहीं रहेगा, y को वहाँ फेंक दिए, y को वहाँ फेंक दिए, क्यों फेंके बताओ, x को यहाँ भी तो ले आ सकते थे, पहला नंबर हम x माने हैं ना, दूसरा y, इसलिए हमको x बाई वाई ही निकालना है, समझ में आया, पहला हम x को माने हैं ना, बोला है रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटी, टू क्वांटिटी में पहला ये है दूसरा ये है, इसलिए हम x y निकालेंगे, y x नहीं निकालेंगे, समझ में आया, तो हम लोग को x y निकालना है, तो 2 वहीं रहेगा तब ना y नीचे जाएगा, यही हो गया रेशियो, रेशियो कुछ नहीं है नीचे, मतलब 1 क्या आया 2:2 हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। और कोई तरीका है इसका, देखिए बाद में उतारिएगा, नहीं मिटाएंगे, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, ये दिया है ना, इसको अगर पूरा हम यहाँ ले आते हैं पूरा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अब याद करो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हम बताए थे, याद आया, अगर ए बाई बी सी बाई डी है तो अगर कॉम्पोनेंटो करते थे तो ऊपर में प्लस कर देते थे, यानी ए प्लस बी, और डिविडेंडो में ए माइनस बी, यहाँ भी सेम चीज़, ये था कॉम्पोनेंटो एंड सी एंड डी, याद आ रहा हल्का हल्का, जो मेरे क्लास किया उसको आता हो, जो नहीं किया वल्ला मालिक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे कॉम्पोनेंटो डिविडेंड, इसमें भी वही करेंगे, इतना प्लस इतना प्लस नीचे वाला, प्लस नीचे वाला ना, देखिए नीचे वाला सिर्फ प्लस करेंगे, उसके बाद ऊपर वाला ही माइनस नीचे वाला, तो माइनस जब नीचे वाला करेंगे ना तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ भी नीचे 1 है ना, तो 3 + 1 ये y कट गया 2x आया, ये x कट गया 2y आया, यहाँ पर आया 4y, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, डायरेक्ट आ गया 2 by 1, 2:1, ठीक है, ये था कॉम्पोनेंट डिविडेंड मेथड। एक सेकेंड, थर्ड मेथड, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑप्शन का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, देखो यहाँ गौर से देखो, ये थर्ड मेथड है इसीलिए इसमें मुझे लिखना नहीं है ज़्यादा, हम लोग मैच कराएंगे कि जो कंडीशन दिया है सवाल वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है, पहला हम ले रहे हैं, बोला है कि सम टू क्वांटिटी, दोनों को सम कर दो, 4 आ गया, 4 इज यानी इक्वल 3 times किसका, देयर डिफरेंस, डिफरेंस कौन है, 4 में से 3 में से 1 गया 2, बराबर आ रहा है, नहीं ये नहीं होगा, थर्ड मेथड वहाँ बता दिए, यहाँ बता दिए, पहला ऑप्शन है 1:3, तो बोला है इसका सम, सम क्या आएगा, 4 इक्वल होना चाहिए 3 times देयर डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2, सही है इक्वेशन, गलत है ये 6, 4 आ रहा है, बी ऑप्शन, ये ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी 3:1 है, सम सम कितना आएगा 4 इक्वल टू 3 times देयर डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2, सेम आ गया, नहीं आ रहा है, सी देखो 2:1, सम कितना है 3 इक्वल होना चाहिए 3 times देयर डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1, 3:3 आंसर हो गया सी, कौन सा मेथड अच्छा है इसमें, खाली लास्ट वाला बोलेगा लो, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना है,
6, 7, 15, 17 9 ना, छः सात पंद्रह सत्रह, ठीक है ना, 6, 7, 15, 17 ये उतार लिए, नहीं जल्दी ना, चलो का ऑप्शन दे वैसे खराब हो जाए, इसमें बनाओ डन। कंपोनेंट और डिविडेंड हो, देखिए बता रहे हैं भाई, क्वेश्चन लिखने वाला किसी को रखना पड़ेगा, हमको थक जाते हैं लिखते लिखते। लिखोगे मिटाओगे? सीबीएसई में भी है, मिटाने जाते हैं, बोला सर मिटाइए मत, दीजिए मिटा दो, फिर मिटाती। वार्ड नंबर शुड बी एडेड, इस समय कितना मैट करें कि ये प्रोपोर्शनल हो जाए, प्रोपोर्शनल बता दिए है ना, क्या होता है, क्या होता है देखो कॉपी में, लेकिन ये प्रोपोर्शनल में नहीं है अभी, हम उसको किसी से ऐड करेंगे तब वो प्रोपोर्शनल होगा, तो वही कौन सा नंबर सब में ऐड करेंगे हम, यही सवाल है। है चुप तो, ऑप्शन दे दे, जल्दी बना लेता है लोग। 6, 7 और 15 और 17 ये प्रोपोर्शनल में होगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रोपोर्शनल में याद आया ए वाई बी सी वाई डी लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है, हमको क्या ऐड करना पड़ेगा सब में, तो मान लेंगे एक्स ऐड करेंगे सब में, एक्स ऐड करने पे अब ये प्रोपोर्शनल हो गया, अब यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स का वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसको इससे इसको इससे करके करते हैं ना, लंबा सा करो, थोड़ा मल्टीप्लाई अच्छा हो जाएगा, करो कैलकुलेशन स्पीड करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम सब करवा रहे हैं, ट्रिक भी है लेकिन कैलकुलेशन स्पीड बहुत बहुत ज़रूरी है, अर्थमेटिक में लगता है बहुत, अभी तो अर्थमेटिक हम पढ़ाए नहीं ना, एक भी चैप्टर एडवांस चल रहा है अभी, अर्थमेटिक में तो सिर्फ कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है पहले। कितना कुछ नहीं सुने हम, हाँ 3 आ रहा है पक्का, तो कैसे कियो इसको, इससे मल्टीप्लाई 6 और इससे मल्टीप्लाई कियो उसको लिखो, देखो मल्टीप्लाई करने थोड़ा सिखा रहे, थोड़ा फास्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कैसे कियो 102 6 × 17 ऐसे कियो, 6 × 7 = 42 6 × 4 = 10 ऐसे क्यों, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक ट्रिक देखो, देखो इसको कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ये 17 है ना, तो हम लोग पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 17 को लिख सकते हैं 10 + 7 नहीं लिख सकते हैं, यानी इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है मेरे लिए, 60 आ गया, आसान है ना, 60 आ गया, अभी इसको 7 से मल्टीप्लाई करो 42 आ गया, 60 और 42 को ऐड करो
60 और 42 को ऐड भी कैसे करेंगे, 60 और 40 को पहले ऐड करेंगे, 100 हो गया और 102, ऐसे भी कर सकते हो, ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। बड़ा बड़ा नंबर का प्रैक्टिस हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं। कैसे करेंगे देखो, डायरेक्ट 60, डायरेक्ट सोचेंगे कैसे, 60 42, 60 42 में हमको 100 दिख रहा है तो हम 100 पहले ले लेंगे, फिर 2 बचेगा 102, 102 आ गया। अब देखो 102 आ गया ना, अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए ये प्लस प्लस है ना, अब इसको एक बार हम लिखेंगे, 17 और 6 ऐड कर देंगे, कितना आएगा हैं, डायरेक्ट लिखेंगे 23x, प्लस कर देंगे और बार बार मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। देखो एक स्टेप में, ऐसे तो नहीं किए होगे आप लोग, इसको दो स्टेप में लिखे होगे ना, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है क्योंकि प्लस है, अगर माइनस रहता तो माइनस कर देंगे, 17 में से 6 माइनस कर देते। वेरी गुड, इक्वल। अब इन दोनों को भी वैसे ही करेंगे, देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 15 को नहीं कर रहे हिसाब से, अगर टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो 70 35 में भी हमको 100 दिख रहा है, 105 दिखा, 70 35 यानी 70 30 100 होता है, 5 बचा, 105 दिखा, 105। और देखो यहाँ भी 15 और 7 प्लस कर देंगे, कितना आएगा 22 में x लगा देंगे 22x, और बाहर बाहर को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे किए हो क्या आप लोग, नहीं। अब देखो x x कट गया ना, और देखिए ये 22 में से 23 गया, एक तो x बचा, 105 में से 2 गया, 2 स्टेप में आ गया, समझ में आया क्या किए हैं, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा आपका, ठीक है, जो हम बताएं हो गया। एक्सरे बिल्कुल जरा यार, इसको मिटाएं क्या, सियानी है और स्पीड करना चाहिए। देखो यहाँ पर एक और तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड में 1 माइनस कर देंगे, कर सकते हैं हम खुद से, हम बताएं दो इक्वेशन हो दोनों में कुछ से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों में सेम कर सकते हैं, बताए थे ना, यहाँ पर हम 1 माइनस दोनों कर दिए, कर सकते हैं। अब इसको जब 1 माइनस करेंगे तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, उसको अलग सॉल्व करेंगे, दिख रहा है, इसको अलग, नीचे में एलसीएम क्या आएगा, 7 माइनस x प्लस x, अब ये ऊपर चला जाएगा क्या आ जाएगा, 7 प्लस x, ठीक है, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 6 प्लस x, तो 6 माइनस x होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। सिमिलरली यहाँ भी 17 प्लस x, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 17 प्लस x आएगा, फिर ये माइनस माइनस में ये जब ये इसको लिखेंगे तो क्या -x आ जाएगा, ये समझ में आया, एलसीएम लिए हैं सिर्फ, जिसको माइनस कैसे आया नहीं समझ में आया वो एलसीएम वाला जाके देख लो फिर से। ये एक्स कट गया ना, ये कितना आया ऊपर में 1, यानी 1/7 प्लस x लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा शायद, 2 लिख सकते हैं आप, देखो तो सॉल्व आसान हो गया ना, इसको क्या लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे 17 प्लस x, और इसको क्या लिखेंगे 14 प्लस 2x ना, वही देखो इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट जो मेथड सिखाए हैं, डायरेक्ट कैसे, पहले x का करते हैं 1 × x 1, 2 × x 2, 2 में से 1 गया 1 1 1 1, उंगली निकालो, उसके बाद नंबर नंबर करते हैं, 17 14, 17 में से 14 गया 3, 1 का वैल्यू 3, आंसर हजम हो रहा है आपको, नहीं हो रहा लग रहा है, ये वाला नहीं हुआ, ये समझ में आया, ये वाला ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, यहाँ पर बोले ना एलसीएम का प्रॉब्लम है, मतलब जिसको ये लाइन नहीं समझ में आया मतलब एलसीएम का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एलसीएम लिए हैं, इसको ये सिर्फ लेफ्ट साइड देखो, इसको नीचे में क्या है, अब ये 1 है ना, तो ये 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर, ऊपर में लिखा था मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद ये माइनस यहाँ पर है, ये इससे कैंसिल हो गया तो 1 बचा ना, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा वीडियो जाके पास्ट वाला देख लो एलसीएम का, थोड़ा कैसे कैसे एलसीएम लेते हैं, नंबर वाला हम बताते हैं,
दो बाई तीन रहेगा माइनस एक बाई चार रहेगा, कैसे एलसीएम लेते हैं, 12 नीचे में 12 रहता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं 4, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे पहले डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 आ गया, इसको इससे डिवाइड करते हैं 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना 3, इसको लिखते हैं 5/12। प्राइमरी स्कूल वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। नहीं कोई बात नहीं, हम लोगों को भी नहीं आता था शुरू शुरू में। क्वेश्चन नंबर लिखिए, कौन बोला तुम बताए हम अच्छा 2 साल पहले आज बताए थे बोले 2 साल पहले और क्वेश्चन था 2 साल पहले 2 साल पहले हम कहाँ थे यहाँ थोड़ी अच्छा देखो 4 साल पहले इस लाइन को मान लेते हैं प्रेजेंट लाइन, ये प्रेजेंट है ठीक है प्रेजेंट। 4 साल पहले माइनस 4 कितना था रेशियो ए बी का 14, ये भी है ठीक है ठीक है, समझ में आया। ये अभी प्रेजेंट लाइन है, ये लाइन क्या है प्रेजेंट। 4 साल पहले यानी माइनस 4 उन लोगों का इसका रेशियो दिया हुआ है इतना इतना था। उसके बाद बोला है आफ्टर 4 ईयर्स ना, यानी अब से 4 साल के बाद कितना हो जा रहा है रेशियो
ठीक है। तो हमको बोला है प्रेजेंट एज ऑफ ए, ए का प्रेजेंट एज यानी यहाँ पे ए का मेरा बीच वाला एज क्या होगा, ये पूछा है हमसे। फंडामेंटल पहले बताते हैं कैसे करेंगे। फंडामेंटल में क्या करेंगे, अभी मान लेंगे 11s है, इसका 14x है, ए बी का अभी प्रेजेंट प्रेजेंट एज कहाँ से बे, गलत मान लिया है, पहले वाला है, 4 साल पहले वाला को ही हम मान लिए। तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा प्रेजेंट में, अभी 4 ऐड करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है, ये 4 साल पहले का है तो 8 साल के बाद इतना होगा ना, दिखा नहीं दिखा, 4 साल यहाँ आएगा प्रेजेंट में आया, फिर 4 साल आगे जाएगा तब ना ये होगा, यानी यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 8 साल, ये 4 साल पहले का है यानी ये है, अब इससे 8 साल जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा रेशियो, समझ में आया, 8 साल पहले का है ये, तो इसमें अगर हम 8 ऐड कर दें तो ये जो मेरा रेशियो आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा, और यही बोल रही है ऐसे ही बताए हैं। अब यहाँ से हम लोग एक्स निकाल लेंगे, सिंपल एक्स निकालो, एक्स निकालो, देखो देखो हम कर रहे हैं, देखो तुम लोग ऐसे करेगा, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे मत करना बच्चा वाला, थोड़ा सा एक्स एक्स को पहले करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर लग रहा है ना, एक स्टेप लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 16 कम 16 फिर 16 कम 16 और 1 17 ठीक है, फिर डायरेक्ट इसको एक्स करेंगे, 14 3 42 4 आया, 14 कम 14 4 18x, आगे पीछे हो कोई बात नहीं, हमको डिफरेंस लेना है, डिफरेंस क्या आएगा, 6 यूनिट। अब नंबर को सॉल्व करते हैं, देखो ये सेम है ना, इसको छोड़ भी सकते हैं, सिखाएं, इसको माइनस करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करेंगे 3 आएगा 3 8 यानी इसका वैल्यू कितना है 24, यानी 1 का वैल्यू 4, 1 का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू 1 क्या था, एक्स ही था, तो देख रहे हो अप्लाई करके दिखा रहे हर जगह इक्वेशन जो सॉल्व करने का तरीका है, क्या किया हम पहले एक्स को सॉल्व किए, इसका डिफरेंस ले लेंगे, बस ले लिए, अब नंबर को सॉल्व करेंगे, तो नंबर को हम कहाँ गया भाई, हाँ हम इसको देखो मल्टीप्लाई करके भी माइनस कर सकते हो, लेकिन जब सेम रहे तो इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, एक ही बात है, और नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करो इसको इससे और इसको इससे, फिर माइनस लो 24 ही आएगा, लेकिन जब सेम है इसीलिए हम इसको यहीं पे कर दिए हैं सॉल्व, क्या किए हैं 3 8 24 ठीक है, यानी 6 का वैल्यू 24 है तो 1 का वैल्यू 4 यानी x का वैल्यू 4 आ गया, अब x का वैल्यू 4 आ गया तो देखो तो यहाँ पर 4 पुट कर सकते हैं, 4 × 4 यानी कितना आ गया, 44 आ गया और ये 56 आ गया, ये कब का आया, 4 साल पहले का, हमको बुलाया है, हमको पूछा है प्रेजेंट, तो 4 साल पहले इतना है तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया है, सही किए हैं, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 48, कुछ गड़बड़ किए हैं सवाल में, एक्स का वैल्यू इतना नहीं आना चाहिए, क्या गड़बड़ किए हैं भाई, 3 8 24 एक सब को सही आ रहा है, कहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया हम लग रहा है, सवाल देखें इसको जनरली सॉल्व करो तो कितना आ रहा है दिखाओ तो हमको, इतना ही आ रहा है कि नहीं, देखो तो इसका वैल्यू 4 आ रहा है, नहीं गड़बड़ आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, देखें सवाल थोड़ा, सही तो है, x तो 4 ही आ रहा है,
एक तो चार ही आ रहा है। एक चार आया था ना, ये भाई ठीक तो आएगा, कहा है हम कंफ्यूज कर रहे हो, एक चार ही आएगा। तो चार साल पहले कितना आएगा, 44 आएगा, पुट कर दिया चार, 44 आ गया, चार साल पहले है ना, तो अभी हमको चार साल और आगे जाना है ना, तब ना प्रेजेंट में आएंगे, तो प्लस चार कर दो इसमें, प्लस चार कर दो, कितना आएगा, 48 आंसर आ जाएगा। झुटमुट का परेशान हो रहे थे, समझ गए, ये सही सॉल्व किए थे हम, एक्स का वैल्यू सही निकाले थे, चार आया था, वन का वैल्यू चार आया, तो 11 का वैल्यू कितना आया, 44, लेकिन ये 44 कब है, चार साल पहले है, तो अभी कितना हो जाएगा, चार ऐड कर देंगे ना, ऐसे ही बनाइयो क्या, पहले वाला रेशियो, हाँ वो भी बता दे रहे अभी, हाँ देखिए, हो गया, कर लो पहले तुम ही लोग करो, इसके बाद सेकंड मेथड बताएंगे। सेकंड मेथड में क्या करना है, देखिए क्या करना है, ये प्रेजेंट का लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल किया, कितना, 8 साल, और यूनिट में कितना ट्रेवल किया, 2 यूनिट, यहाँ पर यूनिट में कितना ट्रेवल किया, 2 यूनिट, यानी दोनों का यूनिट सेम ट्रेवल कर रहा, इसका भी 2 यूनिट ट्रेवल किया ना, 2 यूनिट, इसका भी, यानी ये जो 2 यूनिट है वो किसके बराबर है, 8 साल के बराबर है, दिखा, 4 साल 4 साल 8 साल, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 साल के बराबर होगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट 4 साल के बराबर होगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 हो गया, 44 हो गया तो 4 साल बाद 48 हो गया आंसर, हमको लगा 26 आंसर आ रहा है, इसलिए हम सोचने पड़े, कहाँ गलती की, कौन सा मेथड अच्छा, ये सवाल इनवैलिड हो गया है, कोई अहमियत नहीं है इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर, लिखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स,
ये आसान है। बैठ जाए। प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है। अमन क्या तो बता देंगे, लास्ट ही क्वेश्चन समझ। और कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए बता रही तो आसान है, बनाना पड़ेगा कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना है, इतना इतना है, टोटल स्टूडेंट्स कितना है, इतना है। तो बोला है कि नया रेशियो निकालना है जब 12 गर्ल्स और आ जाए। तो देखो अभी क्या हाल है, 13 तो ये तो गलत रेशियो दिया है भाई, यहाँ तो 90 और 10 है, 9:1 है यहाँ। टोटल कितना है, 44। टोटल लिमिट कितना हो गया, 44 ना, 44 का वैल्यू दिया है 50। समझ में आया, ये यूनिट हो गया इतना, यूनिट ये क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया इतना। तो 11 से काटो। और अच्छा दूर से देख रहा है भाई, इतना करीब से गलती कर रहा है, 24 हो गया। 8 से काट दो, 8 + 24, 8 × 6 = 48, 8 × 24, 3 से काट दो, यानी एक यूनिट का वैल्यू 21 आ गया ना। तो हमको पता चल गया बॉयज़ गर्ल्स कितना था, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी। हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 × 13, 13 × 2 = 26, 13 से डायरेक्ट करेंगे, 13 × 13 एक बचा, 13 × 2 = 26 और एक, सही है ना, 26 और 1 = 27। इसको भी डायरेक्ट करेंगे, देखो 11 × 11 एक बचा, 11 × 2 = 22 और 1 = 23, यानी इतना बॉयज इतना गर्ल्स। अब बोला है 12 गर्ल्स और आ गई हैं, यानी इसमें 12 ऐड करना है सिर्फ, इसमें कुछ नहीं करना है। अब ऐड करो, देखो क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, इसी का तो रेशियो निकालना है। काटो, 3 से कट रहा है, 3 9 = 27, 3 + 24 = 3, एकम आ गया आंसर।